तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कमाल की चीज बताने वाला हूँ, या फिर बोल सकते हैं कमाल की एक नई अपडेट बताने वाला हूँ, जो कि सैमसंग के जो गुडलक मॉड्यूल होता है, या बोल सकते हैं गुडलक की जो ऐप होती है उसके अंदर एक मॉड्यूल होता है लॉक स्टार मॉड्यूल, जिसके अंदर आया और कमाल के नए अपडेट्स, या बोल सकते हैं कमाल के नए फीचर्स वहां पर एड ऑन किए गए। क्या ये फीचर है, कैसे उसको यूज करेंगे, सब आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोरा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग लॉक स्टार के नए अपडेट के और नए फीचर के बारे में। तो उसके लिए आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पर गैलेक्सी स्टोर में जाना है। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर अपडेट्स वाले सेक्शन में चले जाना है, जहां पर आपको दिख जाएगा कि एक नया अपडेट यहाँ पर अवेलेबल है। आप देख रहे होंगे एक नया अपडेट आपको अवेलेबल दिख रहा होगा। नीचे की तरफ आएंगे, आप देखेंगे इस अपडेट को कब रोल आउट किया गया है। 1 अगस्त को रोल आउट किया गया, जिसका साइज है 65.74 MB का, जिसका वर्जन नंबर इज 5.1.00.24। ये रोल आउट 1 तारीख को हुआ है, बट ये मेरे पास आज ही आया, बिकॉज मैंने हर बार बोलता हूँ जो प्रीमियम फोन होते हैं उन पे पहले आता है, फिर मिड रेंज फोन, फिर सबसे लोएस्ट फोन में, ऐसे करके सैमसंग रोल आउट करता है, तब जाके ये सबको मिलता है। अगर आपके पास यहाँ पर नहीं दिख रहा है गैलेक्सी स्टोर में, तो आपको अपने मोबाइल के गुडलक वाले मॉड्यूल में चले जाना है, या बोल सकते हैं गुडलक वाली आपको अपने मोबाइल के ऐप में चले जाना है। गुडलक की ऐप में जाएंगे तो वहां पर आपको वो अपडेट यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे कि आप देख रहे होंगे लॉक स्टार पर आपको अपडेट बता रहा है, आपको बस उस पर क्लिक करना है, वो आपको डायरेक्टली वहीं वापस ले जाएगा जहां मैं आपको लेके गया था। अब पहले तो मैं कर लेता हूं उसको अपडेट, फिर आप यहां पर देखेंगे क्या नए चेंजेस किए गए। यहां पर सबसे पहले एक नया चेंजेस किया गया है, एडेड विजार्ड्स ऑन लॉक स्क्रीन एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे और विजार्ड्स ऐड किया गया है लॉक स्क्रीन पे, दोनों पे। और इसमें नीचे तरफ क्या लिखा है, एक स्टार लगा के क्या लिखा हुआ है, कंसेंस इन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। अगर आपके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे विजार्ड यूज नॉट अवेलेबल फ्रॉम बर्न इन प्रोटेक्शन द बिलो केसेस, अगर आपके ने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे ये दो चीजें कर रखी हैं, तो आपका विजार्ड वहां काम नहीं करेगा। जैसे कि व्हेन यू आर यूजिंग अ क्लॉक टाइप फ्रॉम इमेज क्लॉक, अगर आपने इमेज क्लॉक के अंदर क्लॉक टाइप लगा कर रखा है तो काम नहीं करेगा। व्हेन यू अप्लाइड द क्लॉक ऑफ कस्टम टाइप इन क्लॉक फेस, अगर आपने क्लॉक फेस ऐप के थ्रू अप्लाई कर रखा है कोई क्लॉक, तो काम नहीं करेगी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे, बाकी ये वर्क करने वाला है। तो ये हो गया इंस्टॉल और हो गया एक्टिवेट। अब इसको कैसे अपन चेक करेंगे क्या नया फीचर है, उसके लिए वापस आपको यहाँ से गुडलक वाली ऐप में जाना है, वापस आपको यहाँ पर गुडलक वाली ऐप में जाना है, लॉक स्टार ऐप में चले जाना है। लॉक स्टार ऐप में जाने के बाद आपको यहाँ पर आना है लॉक स्क्रीन वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक नया विजार्ड्स का ऑप्शन जो बोल, तो दोस्तों अपडेट के बाद आपको वापस यहाँ पर जाना है गुडलक में, गुडलक ऐप में जाने के बाद आपको यहाँ पर लॉक स्टार में चले जाना है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ मेरा वर्जन नंबर जो कि अपडेट हो चुका है, जो है 5.1.00.24। यहाँ पर आपने जैसा कि देखा कि वहाँ पर वो जो फीचर्स लिखे थे, वो फीचर्स आपको कैसे मिलेंगे, आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर प्लस पे क्लिक कर देना है, बट ये इसमें वर्क नहीं कर रहा है। अगर आप इसमें से हटाएंगे तब प्लस में क्लिक करेंगे तो ये नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, तो ऐसा ही ऑप्शन आएगा और भी चीज़ ऐड ऑन करने का, बट इसमें एक ही चीज़ ऐड ऑन करने का ही आ रहा है जो आप यहाँ पर अभी फ़िलहाल है। मतलब कि जो ये नया अपडेट में जो नए फीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं विजार्ड्स वाले, वो फिलहाल सैमसंग A52s में वर्क नहीं कर रहे हैं। हो सकता है इससे नीचे वाले डिवाइस में भी वर्क ना करें, हो सकता है कि उस डिवाइस में वर्क करें, बट ये फिलहाल सैमसंग A52s में नहीं कर रहा है, जैसा कि मुझे आप देख सकते हैं लाइव ही। और आपको सिंपल यहाँ पर इसे क्रॉस कर दूँ और यहाँ पर क्लिक करूँ तो सेम ऐसा ही विजार्ड्स आपको वहाँ पर मिलेगा, विजार्ड्स का ऑप्शन, जैसा कि आपको यहां पर विजार्ड्स मिलते हैं ना, ये वाले विजार्ड्स, यही सारे विजार्ड्स आपको उसके अंदर मिलेंगे और डायरेक्टली आप वहां पर एड ऑन कर पाएंगे अपने लॉक स्क्रीन में और अपने एओडी में, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में। बट ये इसमें वर्क नहीं कर रहा है, हो सकता है कि नेक्स्ट अपडेट के बाद, या बोल सकते हैं सैमसंग A52s के नए अपडेट्स के बाद, या लॉक स्टार के नए अपडेट्स के साथ ये फीचर इसमें ऐड ऑन हो। फिलहाल ये फीचर इसमें ऐड ऑन नहीं हो रहा है, ये नई फीचर काम कर रहा है, बस इसमें कुछ बग्स होंगे वो फिक्स आउट किया होगा, ओवरऑल इसमें कुछ भी नया ऐड ऑन नहीं किया गया। बट ये वीडियो मैंने क्यों बनाई, आप बोलोगे यार आपने तो लिखा, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई कि सबको जिनके पास अपडेट हो चुका है तो वो ये ना सोचे कि सिर्फ उनके डिवाइस में ही प्रॉब्लम है। फिलहाल ये सभी यूज़र के लिए, मेरे ख्याल से ये सबके लिए प्रॉब्लम है, ये किसी डिवाइस पे वर्क नहीं कर रही। हो सकता है इसके नेक्स्ट अपडेट में इसको सूटेबल किया जाए, और अगर आपके डिवाइस में वर्क कर रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, नहीं भी कर रही हो तो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो थैंक यू सो मच।
दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मेरे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दो, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू सो मच।